अब बिग बॉस 12 के बाद आपका करंट प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट और अभी जो आप कर रहे हो उसके बारे में बताइए। ओके, आफ्टर बिग बॉस सेवरल प्रोडक्शन हाउसेज एंड मेनी ब्रांड्स हैव अप्रोच्ड मी। सो लाइक रिसेंटली आई कोलैबोरेटेड विद द मिडल ईस्ट परफ्यूम ब्रांड विच इज़ कॉल्ड फासी परफ्यूम्स। मनीष कुमार स्पॉटेड मी फ्रॉम बिग बॉस एंड देन some agent of him just approached me there. So I'll be doing several photo shoots and campaign and pretty excited. It will be launched on grand scale in India. So I'm pretty excited about that. And I always wanted to be a part of a luxury brand. So I'll be doing many commercials and photo shoot campaigns for them. So I'm pretty excited about it. Big Boss 12 ka safar, it was amazing. Like it was a dream come true. कितने लाखों करोड़ों लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत सालों से ट्राई करते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड मुझे मौका मिला सलमान खान से मिलने का और उनके घर में रहने का। आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई सपना हो सकता है मेरा जो कि पूरा हुआ हो आज तक। एंड सफ़र की बात करी जाए, आई थरली इन्जॉयड इट, आई लव्ड इट, आई वॉज लाइक बींग माई सेल्फ फॉर एवरी सेकेंड। शायद वही मेरे अगेंस्ट में पड़ गया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा नादान रह गई, बट येस बहुत मज़ा आया। मैंने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ खाना खाया, उठे बैठे बातें करी, जयश्री हो, दीपिका हो, सृष्टि हो एंड बाकी भी लोग जो हमारे साथ थे, अनूप जलोटा, जसलीन जी, एवरी वन इज़ अ यूनिक कैरेक्टर और उनके साथ टाइम स्पेंड करना वॉज अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी।